हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिरला इंटरनेशनल स्कूल। सो लेट स्टार्ट स्टूडेंट्स, ग्रेड फोर्थ, सब्जेक्ट ईवीएस एंड वर्कशीट 28। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स। आपको क्या लिखना है, जो ट्रू स्टेटमेंट है उसकी जगह सही लिखना है, दैट मीन्स ट्रू लिखना है, और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स है, उसकी जगह आपको फॉल्स लिखना है। यानी ट्रू की जगह जो सही है स्टेटमेंट उसकी जगह ट्रू लिखना है, और जो स्टेटमेंट रॉन्ग है, जो सही नहीं है, उसकी जगह फॉल्स लिखना है। सो फर्स्ट, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम मलबरी लीव्स। सिल्क जो है, सिल्क वो किससे यूज होता है, मलबरी लीव से, शहतूत की पत्तियों से ऑब्टेन होता है, लिया जाता है, तो हम कहते हैं सिल्क वॉर्म्स जो है वो सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, देन इट इज ट्रू। हाँ, ये सही है। सेकेंड, कॉटन क्लोथ कीप्स अस कूल। क्या कॉटन क्लोथ्स जो है वो हमें कूल रखती हैं, ठंडक देती हैं, हमको पहनने में बड़ा ठंडक सा फील होता है, देन इट इज ट्रू। हाँ, ये सही है। थर्ड, वी वर डिफरेंट क्लोथ्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। क्या हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं, अलग अलग क्लोथ्स पहनते हैं पूरे साल में, देन इट इज ट्रू। हाँ, ये बात सही है। सही है ना बेटा, देखो विंटर्स में अपन लोग वूलन क्लोथ ज़्यादा पहनते हैं, समर्स में हम लोग कॉटन क्लोथ ज़्यादा पहनते हैं, ठीक है, गर्मियों में, तो ये बात क्या है बोल रहा है, सही बोल रहा है। वी डिफरेंट क्लोथ्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, हम हमेशा डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं डिफरेंट टाइम में पूरे साल में। फोर्थ, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शिप। वूल यानी कि ऊन जो है वो शिप से ली जाती है, एंड सम स्पेशल गोट्स, और क्या कुछ स्पेशल गोट से ली जाती है, देन इट इज ट्रू। हाँ, ये बात सही है। बी, मैच द फॉलोइंग यूजिंग द गिवन क्लूज। इन पिक्चर्स में कुछ क्लूज दिए, आपको इन पिक्चर्स से इन क्लूज को मैच करना है, मैच द फॉलोइंग है। फर्स्ट, वी यूज इट ड्यूरिंग रेन। ड्यूरिंग रेन, जब रेन आ रही होती है, बारिश आ रही होती है, तो हम क्या यूज करते हैं, ये तो सबको मालूम होगा ना, कम ऑन देन टेल मी, क्या यूज करते हैं हम रेनी सीजन के टाइम पे, अम्ब्रेला। समझ में आया ना आपको, तो पता है ये बात, ठीक है, बारिश आती है, स्कूल जाते हो तो आप अम्ब्रेला अपने साथ कैरी करके लाते हो, ओके। सेकेंड, वी गेट दिस फ्रॉम शिप। हमें शिप से क्या मिलता है, अभी ऊपर बताया था मैंने, आप लोग बताइए अब क्या मिलता है। यस, करेक्ट, क्या मिलता है, वूल मिलता है हमें, ऊन मिलता है, तो हम इसको बी से डी से मैच कर देंगे। थर्ड, दिस इज यूज टू मेक समर क्लोथ्स। क्या चीज़ समर क्लोथ्स बनाने के लिए यूज होता है, ये पिक्चर किसका है, कॉटन का, तो हम इसको ई से मेंशन कर देंगे, मैच कर देंगे कि समर के क्लोथ्स, गर्मियों के कपड़े बनाने के लिए कॉटन को यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया था अभी, कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल। कॉटन क्लोथ्स हमको कैसे रखते हैं, ठंडा रखते हैं। नेक्स्ट, वी वियर इट ऑन आवर हेड। हम इसको कहाँ पहनते हैं, अपनी हेड के ऊपर पहनते हैं, तो ये तो साफ पिक्चर से पता चल रहा है आपको, अपनी हेड के ऊपर अपन क्या पहनते हैं, हैट, कैप, ठीक है, तो हम इसको कैप से मैच कर देंगे ई से। लास्ट, गांधी जी, फिफ्थ, गांधी जी ऑलवेज वोर इट। गांधी हमेशा यही पहनते थे, गांधी जी तो क्या पहनते थे, खादी, वो हमेशा खादी का कपड़ा ही पहनते थे। ओके बेटा, सो आई होप वर्कशीट 28 विल बी अंडरस्टैंड बाय दी स्टूडेंट्स। थैंक यू बेटा, हैव अ चीयरफुल डे।